मैं हूं नितेश कुमार और आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल स्मार्ट सीआरपी की गूगल चार्ज। आप हमारे वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, धन्यवाद। 2012 में लॉन्च किया गया कुटुम्बश्री को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM के तहत ग्रामीण विकास मंत्रालय MORD द्वारा एक राष्ट्रीय संसाधन संगठन नेशनल रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन NRO के रूप में नामित किया गया था। केरल में स्थानीय आर्थिक विकास मॉडल की अपार सफलता ने NRO को राजस्थान में अपने पंख फैलाने और राज्य आजीविका मिशन राजीविका के साथ मिलकर दो परियोजनाओं का नेतृत्व करने का मौका दिया। एक ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को उद्यमिता से जोड़ने पर और एक सामुदायिक संगठन अब ग्राम पंचायत के कन्वर्जेंस पर है। उद्यमिता को बढ़ावा देते हुए कुटुम्बश्री NRO ने MEC प्रोजेक्ट और SVEP स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब महिलाओं और उनके परिवारों को उद्योग से जोड़ने की तरफ कार्य किया है। The MEC project started in Rajasthan in 2015 when Rajivika signed an MOU with Kudumbashree NRO. We started the project in three districts, Udaipur, Kota and Bhilwara. The objective of the Micro Enterprise Consultant project is to put in place a system within the community to provide hand-holding support to new and existing entrepreneurs. The initial activities were about, you know, identifying women who can be trained as micro enterprise consultants and who will be working on field with the local SHG women to help them in starting the enterprises. And so the process was that we did a selection first, and then we moved into a very intensive capacity building program, which is a 6-month program, and they are taken through different types of business management consultancy services that we focus on, and what are the areas that they have to look when they start an enterprise. So the entire focus of the capacity building was to train these local women who do not have or have very little experience about, you know, working on a business, to train them in terms of understanding the local scenario and what kind of very localized consultancy that they can provide to the entrepreneur. Kudumbashree trained them in a short MBA course of 6 months, which guided them through the basics of business. I believe that was very important because, you see, these women, they have left education for the past 10 years. They have been working in completely different things. To make them understand those basics of business which are taught in a typical MBA school, like, it is very important. And for them to learn them, the knowledge has to be practical. So what Kudumbashree did is they combined theoretical classroom sessions with practical implementation of those concepts. So I think that helped them, you know, develop that insights into the business world, which helped them support these enterprises in a better way. पहले जो हमारी लर्निंग्स रही कि एक तरीके से जहाँ पे पुराने हमारे प्रोग्राम चलते थे वो कहीं ना कहीं एक सब्सिडी मॉडल पे चलते थे, नहीं तो ग्रांट मॉडल पे चलते थे, कि हम उनको एक क्रेडिट से लिंक करा के उनका हम सोचते बिजनेस वहाँ से हम सोचते थे चालू हो जाता है। मैं कहीं ना कहीं जो हमारी भी लर्निंग रही जब हम वापस उस दीदी के पास जहाँ पे हमने पहले उन्हें ग्रांट दिया था या उन्हें लोन देके उनका बिजनेस स्टार्ट हुआ था, तो हमें एक लर्निंग रही कि वो दीदी हमेशा हमसे पूछती थी कि आपने हमें पैसा तो दे दिया, मशीन दे दी, कि उसके आगे क्या आप कभी वापस दोबारा आए नहीं, जो हमारे बिजनेस को रन करने में जो प्रॉब्लम्स आई उन्हें, तो उसके लिए उसके पास कोई भी एक सपोर्ट स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं एक मिसिंग था। तो ओवरऑल लर्निंग से हमें ये रहा कि क्योंकि हमारे जो एंटरप्रेन्योर जो हम रूरल लेवल पे हम बात कर रहे हैं, ये हमारे फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स हैं, हमें एक सपोर्ट स्ट्रक्चर तैयार करना था उनके लिए, क्योंकि ये पहले कभी उन्होंने ना एंटरप्राइज या बिजनेस कभी उन्होंने किया नहीं है, तो कहीं ना कहीं एक नॉलेज जो गैप उनको आ जाती है डे टू डे रन ऑफ बिजनेस रन करने के लिए, और काफ़ी सारी जो बिजनेस सर्विसेज जो उनको मिलनी चाहिए, जो आज आप काफ़ी सारी जो आज MBA ग्रेजुएट्स जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल्स या दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में आप प्रोवाइड करा पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उस रूरल कम्युनिटी के पास
कोई एक ऐसा कंसल्टेंट या ऐसे एडवाइज़र के तौर पे कोई नहीं था। तो वहीं से एक हमारा एक्सपीरियंस रहा कि हम क्यों ना एक इंटरप्राइज कंसल्टेंट तैयार करें रूरल कम्युनिटी के लिए, जो कि फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स की नीड को फुलफिल करे। वो कंसल्टेंट का कौन हो, तो ये ध्यान रखा कि वो भी हमने कम्युनिटी से ही सिलेक्ट किया, क्योंकि वो जो हमारा कंसल्टेंट है उसको कम्युनिटी के इश्यूज को पता होना चाहिए। उस कम्युनिटी के जिसके साथ वो काम कर रही है, काम कर रहा है, वो उसके साथ ज़्यादा रिलेट कर पाए, उनकी दिक्कतों को समझे, उनके हाउसहोल्ड के कंजम्पशन को समझ पाए और उनकी ओवरऑल लाइफ को समझ पाए। तो इसलिए वो कंसल्टेंट है हमारा, कम्युनिटी से ही हमने वो कंसल्टेंट हमने सेलेक्ट किया। इसमें कोशिश है कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा SHG के लोग, हमारे जो हमारे वुमेन एंटरप्रेन्योर है, वो आगे आ पाए, क्योंकि आज NLM स्ट्रक्चर में हमारे पास उस स्ट्रक्चर के थ्रू जो ऑर्गेनाइजेशन बना है SHG, VO और CLM कम्युनिटी और इंस्टीट्यूशन के माध्यम से उनके पास एक्सेस टू क्रेडिट है। अब थ्रू MEC हम ये कोशिश कर रहे हैं कि वो जो क्रेडिट है वो कैसे इनकम जनरेशन एक्टिविटी में हम ज़्यादा इन्वेस्ट कर पाए। थिंक द रोल ऑफ कुटुंबश्री स्टार्टेड देयर एंड देन इट कंटिन्यूड व्हेन दे सपोर्टेड देम थ्रू मेंटर्स। आई थिंक मेंटर्स वर अ क्रिटिकल रिसोर्स। द प्रोजेक्ट द कॉन्सेप्ट वॉज न्यू टू राजीविका। However, it was implemented by Kutumbshree beforehand, but it was new for us. They helped guide them on field, what they were doing right, what they were doing wrong, how they should improve themselves. They monitored them continuously. I think this was the mentor resource, was a critical resource provided to us by Kutumbshree. पहले MEC लोग अपना समूह CLF में जाते हैं और उधर से VO का मीटिंग में जाएंगे, उधर से फिक्स करेंगे इस महीने में कौन सा VO में काम करना है, कौन सा VO महिला के साथ काम करना है, किसी को व्यापार शुरू करना है तो वो पकड़ते हैं। तो उसके बाद इनको क्या क्या व्यापार करना है और उनका पैसे की ज़रूरत है और इनका ट्रेनिंग की ज़रूरत है, वो उसमें भी MEC लोग मदद करते हैं। और उसमें पैसे की ज़रूरत है तो पहले SHG में पूछेंगे, पैसा है तो SHG से दिलवा देंगे, नहीं है तो VO में पूछेंगे, VO से पैसा दिलवा देंगे। महीने की ट्रेनिंग में हमने पूरा बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स सीख लिया था। उसके बाद हम फील्ड में गए, फील्ड में जाके महिलाओं को समझाने लगे, महिलाओं को समझाया कि आप किस तरीके से बिजनेस करो ताकि आपकी डेवलपमेंट होगी और आप जिस तरीके से काम करोगे उस तरीके से आपके घर में 2 पैसों की आय होगी। ये ओरिएंटेशन हमने जाके गांव-गांव और पंचायत-पंचायत जाके महिलाओं को दिया। पहले व्यापार योजना बनाते हैं, उसके बाद में PTS और मोबाइल ऐप में भी PTS वगैरह, और उद्यमी को हम 6 महीने तक डे बुक रखवा के PTS बनाते हैं। या मीटिंग में आते हो तो आप कोई भी छोटा मोटा उद्योग करो और आप अच्छी तरह से पैसा भी कमा सको, और किस्त ग्राम संगठन से लेते हो तो आप किस्त वापस भी कर सकते हो। इसके बारे में 4C+E देखते हैं। MEC एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए गांव में जाने के टाइम हम लोग उनका वाइबिलिटी चेक करने का हम लोग उनको समझाया था। एक गाँव में अलग अलग वाइब मौका है, अभी ज़्यादा किराना स्टोर है, ज़्यादा चाय का दुकान है, फिर इसके अलावा इस गांव का दूसरा कपड़ा का दुकान नहीं है, अभी गांव का ज़रूरी है। हम MEC को समझाएंगे ग्राहक के प्रकार, इधर गांव में MEC चालू करने के लिए दीदी लोग का तैयार करने के लिए हम लोग हमारा MEC लोग को समझाया। इसी के अनुसार हमारे MEC लोग वाइबिलिटी चेक करके गांव का ग्राहक के अनुसार MEC चालू करने के लिए दीदी लोग का तैयार करके बिजनेस प्लान बना के समूह से पैसा उठा के बिजनेस खोलने के लिए मेरा MEC को हम उनको सपोर्ट किया था। कुटुंबश्री और राजीविका ने सुनिश्चित किया कि वे परियोजना के हर चरण में विभिन्न हितधारकों को शामिल करें, क्योंकि ये एक समुदाय संचालित परियोजना है। ग्राम संगठन एवं समूह के पदाधिकारी, मेंटर और ट्रेनर्स, ये सभी विभिन्न स्तरों पर शामिल थे। जो MSEA लघु उद्योग सलाहकार है, इसने समूह में जाकर महिलाओं को सलाह दी,
अब महिलाओं को सलाह दी तो समूह में पैसा कम था, तो ग्राम संगठन से हमने समूह को ऋण दिया। हमारे ग्राम संगठन ने पैसा समूह को ऋण दिया, समूह में से महिलाओं को ऋण दिया, तो उसने धंधा शुरू किया। MSC का अच्छा तालमेल है, हमारा सहयोग करती है कि वो सलाह देना उसका काम है, वो काम करने का काम महिला का है। पहले समूह में ट्रेंच बनाया, 15,000 आया, 15,000 से महिलाओं ने एक एक 2,000 रुपये लेके अपना अपनी ज़रूरतें पूरी कर ली छोटी छोटी। फिर उसके बाद में ट्रेंच 2 आया, 1,10,000 रुपये, उसमें भी 7 महिलाओं ने लिया, 20,000 रुपये लिए, तो छोटी छोटी दुकानें उन्होंने शुरू की। करीब करीब हमारे समूह में सभी महिलाओं ने धंधा किया, किसी ने चूड़ी की दुकान लगाई, किसी ने मनियारी की लगाई, किसी ने किराने की लगाई, किसी ने कचौड़ी समोसे की लगाई, मतलब सब दुकानें सब महिलाएं धंधे कर रही है। हम धंधे को बड़ी पैसा देते हैं। 115 महिला थी हमारे ग्राम संगठन में जुड़ी हुई महिला, 115 महिला जुड़ी हुई थी इसमें। अब आप करीब करीब मान लो गए करीब 70-80 महिलाएं तो दे दिया अपने पैसा। महिलाओं के थोड़ा सुधार भी आया है, जबकि पहले खाने के लिए नाज भी नहीं था उनके, पहनने के लिए कपड़ा नहीं था, पढ़ाने के लिए पैसा नहीं था। अभी पढ़ाने के लिए पैसा, उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, BEd कर रहे हैं और दुकान चल रही है, खा भी रहे हैं, अच्छा पहन भी रहे हैं, शादी में भी जा रहे हैं। पहले से सब कुछ बदल गया। गांव की भौगोलिक स्थिति और भारतीय समाज के कुछ कारक जैसे प्रीति सत्ता और सामाजिक कानून का परियोजना लागू करने में बड़ी भूमिका थी। इसके अलावा परियोजना को लागू करते समय और भी भारी बाधाओं का सामना करना पड़ा। We have primarily focused on encouraging MECs also to identify entrepreneurs who are women, because the kind of notion that we are trying to address through the project is of women trying to acquire the public space, where there is a very conventional idea of men running the business. So that is where MEC project is also different, where we are kind of challenging the societal norms of making this space the more for women. Mostly families are dependent on agriculture, which cannot be the permanent source of income for them. They also understand that some sort of alternate livelihood income, livelihood source is also important for them to have like a permanent income running in the family. सबसे बड़ा चैलेंज तो हमारे सामने जब आता है, जब मतलब गांव इतने दूर दूर होते हैं कि वहां जाने में समय लगता है। मतलब गांव तो आ जाते हैं लेकिन पैदल अंदर बहुत चलना पड़ता है, कम से कम 5-5 किलोमीटर तक हमें अंदर जाना पड़ता है, जो ताकि हम किसी के साथ बैठ के जा नहीं सकते। हमारा भी समाज नहीं कहता कि हम किसी के पीछे बैठे, तो हमें भी डर लगता है। दूसरा होता है कि जब वहां तक पहुंच जाते हैं तो उस महिलाओं को समझाना पड़ता है। महिला तो समझ जाती है लेकिन सबसे पहले उसकी फैमिली को समझाना पड़ता है, क्योंकि यहां पे मतलब घूंघट बहुत ज़्यादा है। घूंघट है तो महिलाओं को बाहर काम नहीं करने देंगे, और घूंघट में महिला काम कैसे करेगी, तो सबसे पहले हमें उनकी फैमिली को समझाना पड़ता है। फैमिली को जब समझाते हैं तो सर बोलते हैं कि आप अगर बिजनेस करोगे तो 2 पैसे आपके घर में ही आएंगे, क्योंकि आप बाहर नहीं जाना पड़ेगा आपको, कम से कम ये काम आप अपने घर पर बैठ कर भी कर सकते हो। तो ये चीज़ें हम उनकी फैमिली को समझाते हैं। जब हम मार्केट लगाते हैं ना, तो हमें कई तरह की परेशानी आती है, तो हम सोचते हैं कि हम क्या करें, कैसे लगाएंगे, और हम लोगों को लगता है कि ये मार्केट चलेगा भी नहीं चलेगा, तो हम सीधा हम पंचायत से मिलते हैं। पंचायत में जाके हम सरपंच से मिलते हैं, सरपंच लोग हमारी मदद करते हैं, जैसे कि टेंट लगाना, पानी की व्यवस्था करना और प्रचार कराने का पैसा लगाना, ये सब पंचायत करती है। समस्या आ जाता है और बैंक में जाने के समय बैंक लोग लोन नहीं दे रहे, मतलब इंडिविजुअल लोन नहीं दे रहे उद्योग के लिए, वो तो समूह देने के लिए थोड़ा तैयार होगा, मगर इंडिविजुअल लोन लेने के लिए तैयार नहीं है। फिर भी हम इस लोग बात करके मुद्रा लोन में यहाँ पे इतना ज़्यादा नहीं मिला है, फिर भी बात करके मुद्रा लोन जाने के समय भी वो भी प्रॉपर्टी की पूछ रही है बैंक लोग, बैंक मैनेजर से, मतलब इंडिविजुअल देने के लिए तैयार रहता है। फिर मगर ये MEC लोग उनके जाओ के कोई तरीका, मतलब मुद्रा लोन नहीं, बिना मुद्रा लोन में भी कुछ लोग तो यहाँ पे ज़्यादा लोन भी दिलवा दिया है, मार्केट भी कर रहे हैं। पहले हम सरपंच से मिलने के लिए हम भी उनके साथ में गया था,
सरपंच से बात करने के लिए, नहीं तो तहसील लेटर देने के लिए, और नहीं तो थाना में लेटर देने के लिए उनके साथ में गया है। आजकल उनको बिल्कुल हम नहीं चाहिए, मतलब हमसे सिर्फ एक फ़ोन से वो बाकी पूरा वो लोग अरेंज करके सीधे जाने के लिए भी, आजकल सीधा वो जाने के लिए भी जरूरी नहीं है, मतलब उतना कॉन्टैक्ट उनका है, मतलब वहाँ पे फ़ोन करके वो सरपंच से बात कर रहे हैं, नहीं तो तहसील से बात कर रहे हैं, नहीं तो बैंक मैनेजर से बात कर ले, नहीं तो सचिव से बात कर ले, है ना। उसी तरीका में इतना आगे बढ़ गया है। जैसे पुलिस में जाते हैं, थाना अधिकारी, लेडीज़ पुलिस, वहाँ पे हम राजीविका से एक लेटर निकला के लाते हैं, जो लेटर हम थाने में देते हैं, थाने में वो फिर एक्सेप्ट करके वहाँ से दो कॉन्स्टेबल हमारे मतलब मेले के लिए भेजते हैं। मेलों का आयोजन होता है, वहाँ महिलाएँ आती है, वो अपना स्टॉल लगाती है और बिक्री भी होती है, जिससे महिलाएँ काफ़ी आत्मनिर्भर हुई है। ये इनकी मार्केटिंग होती है, वहाँ पर हम कानून व्यवस्था के लिए पुलिस जाब्ता भी भेजते हैं। तो जगह जगह हाट लगवाते हैं, हर साप्ताहिक और महीने में 2-3 बार हाट लग जाते हैं, और वहाँ पर हम सुरक्षा व्यवस्था के लिए जाते हैं और हर तरह की चीज़ें जो घरे में काम आती हैं वो रखती हैं वहाँ पर बना के, और वो बहुत अच्छा चलता है इनका काम, और उससे महिलाओं की अच्छी इनकम हो जाती है। हर महीने में हर ब्लॉक में 2 बार MEC का मीटिंग कर रहे हैं। फर्स्ट मीटिंग में पिछले महीने का रिपोर्ट लेके आना है, हर क्लस्टर वाइज रिपोर्ट अलग अलग बना के उनका फॉर्मेट बना के हर CLF में जमा करने के लिए तैयार करना है। फिर पिछले महीने में वो लोग क्या किया वो मीटिंग में चर्चा होना पड़ेगा, कितना MEC शुरू किया, कितना PTS बनाया, अब सारा PTS मैं चेक करूँगी 1x4, मतलब बिजनेस का सारा डिटेल्स है, दीदी का सारा डिटेल्स का फॉर्मेट लेके आऊँगी। वो ये फॉर्मेट CLF में जमा करना है, इसके अलावा हम लोग पूरा एंट्री करके ऑनलाइन में NRO को भेजना पड़ेगा। सफलता की घड़ी दूर थी, लेकिन परियोजना में काम कर रहे लोगों के लगातार परिश्रम और कठिनाइयों का सामना करने की क्षमता ने उन्हें कामयाबी दिलाई। हम लोग MSC का काम करते हैं, तो हमने देखा कि वहाँ पे ये लोग मतलब काफ़ी मुश्किलों के साथ अपना जीवन यापन कर रहे हैं। फिर हमने इनको बुला के इनका एक मीटिंग किया और उसमें समझाया कि भाई अगर आप लोगों को कुछ करना है तो कोई धंधा कीजिए ताकि उससे अच्छा पैसा मिले। फिर इनको हमने लोन भी दिलवाई, 15-20 हज़ार का लोन इन्होंने वहाँ से उठाया, और इनके हस्बैंड को थोड़ा बहुत पानी पताशी का काम आता था। फिर हमने सोचा कि क्यों ना फिर इनसे यही काम करवा लिया जाए ताकि इनको उसका हुनर भी है। तो PTS बनाने से ये भी फ़ायदा है कि मतलब किस महीने हमको कितना लाभ हो रहा है, इस महीने हमको इतना हुआ तो आगे अगले महीने में कितना हुआ था या पिछले महीने में कितना हुआ था, वो PTS में मतलब चढ़ता रहेगा, तो हम पिछला भी देखेंगे तो भी पता चल जाएगा कि इसमें इतना हो रहा है, अगर कम हो रहा है तो किस कारण से हो रहा है। आज इस परियोजना के सबसे मजबूत स्तंभों में से एक है कि परियोजना स्थानीय समुदाय द्वारा समर्थित है। स्थानीय क्षमताओं का निर्माण, सामुदायिक संस्थानों को मजबूत करना और पर्याप्त ज्ञान सहायता प्रदान करना समुदाय के भीतर एक समर्थन प्रणाली का निर्माण करता है। जब से मैं MSC बनी हूँ, जब से मैं 67 परिवार को अपने साथ जोड़ चुकी हूँ, उनमें से कई तो सिलाई का कार्य करती है, कई महिलाएं मनिहारी का कार्य करती है, कई महिलाएं जो कपड़ों का दुकान डाल रखी है, और उनका तरक्की देख के मुझे बहुत खुशी मिलती है कि मेरी वजह से कोई आगे बढ़ा है, तो मुझे अपने आप पे भी बहुत खुशी होती है। पहले सब्जी लेने जाते थे सांगो, 15-20 किलोमीटर, अभी गाँव में सब्जी की दुकानें लगती है 25-30। अच्छा कारोबार है, धंधा अच्छा चल रहा है, दुकानों किराने चूड़ी सब्जी की सब दुकानें। MSC के तौर पे खुद को मतलब अच्छा फील करवाती हूँ कि हाँ मेरी वजह से इन लोगों की आर्थिक स्थिति के साथ साथ इनकी समाज में भी पहचान बढ़ी है कि ये लोग कल तक तो मजदूरी करा करते थे और आज अपना खुद का धंधा करते हैं। ट्रेनिंग से ही मेरे को ज़्यादा अनुभव मिला कि दुकान कैसे करते हैं और कैसे डालते हैं, कैसे उसकी आय लागत, कैसे माइनस प्लस जो भी है, मैंने जो भी सीखा वो मैंने यानी दुकान में यूज़ किया है ना। हमारी आर्थिक स्थिति पहले बहुत कमज़ोर थी, फिर समूह में जुड़ने से हमें समूह के माध्यम से या टिफिन जब से हमने शुरू किए वास्तव में तो हमें बहुत लाभ हुआ है। इससे हमारी ज़रूरतमंद चीज़ें जो भी चीज़ें हैं ज़रूरतमंद वो सब चीज़ें हम धीरे धीरे लाना शुरू किया हमने, और हमारे पास जो पैसा हुआ उससे लोगों को भी संतुष्टि आएगी ताकि हम आगे बढ़ सकते हैं। पर पहले थोड़ा बिजनेस कम चलता था क्योंकि पैसे नहीं रहते थे हमारे पास, तो कम लेके आते थे, और अभी ये लोन लिया थे इनसे लेके आए थे, इनसे थोड़ा लाभ हुआ।
The outreach has been to more than 9,000 families, and 9,000 entrepreneurs have actually, availed services of these barefoot soldiers in terms of, you know, starting new enterprises or expanding their existing enterprises, or MECs have supported them in creating new local market for them to address the general local demand which exists. Although the project has come to an end, the learnings from the MEC project has helped the government of India to conceptualize the SVEP, which is Startup Village Entrepreneurship Program, an initiative by the government of India to promote entrepreneurship in India. Some of the components, especially the concept of micro enterprise consultants, has been modeled by the MEC project, and it has majorly influenced the concept in designing the concept of CRPEP, which is Community Resource Persons for Enterprise Promotion under the SVP project. सभी चुनौतियों को पार करते हुए कुटुंबश्री और राजविका ने 140 एमईसी का एक पुल बनाया है, जिन्होंने राजस्थान में अगस्त 2018 तक 9,000 से अधिक उद्यमियों का समर्थन किया है। ये महिलाएं और इनके परिवार के सदस्य अब मजबूत, स्वतंत्र और आत्मविश्वास से भरे उद्यमियों का एक आदर्श उदाहरण है। दिवालो रंगा राई है।